नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास यात्रा गुरुवार को जैसे सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंजान सहित बाजार में पहुंची, भाजपा ही उमड़ पड़े। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं ब्लॉक प्रमुख अजमतगढ़ के प्रतिनिधि मनीष मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यात्रा में चल रहे लोगों को जय श्री राम के नारे के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। क्या कुछ कहा भाजपा नेताओं ने, सुनिए। मैं देवेंद्र सिंह, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी की। रथ यात्रा निकाली है, क्या उद्देश्य है इसका? ये जन विश्वास यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा पूरे सभी विधानसभा में जा रही है। एक बार जनता का फिर से विश्वास प्राप्त करने के लिए रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो जनता का जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, उससे यह विश्वास हो रहा है कि 2017 से अधिक 2022 में जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। पिछले बार हमारे जो देश में लोकप्रिय यशस्वी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीता है। आज हमारे पूरे संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा चलाई जा रही है और जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आज वह यात्रा हमारे आजमगढ़ जनपद में सदर विधानसभा में आई थी और सदर विधानसभा से होते हुए सगड़ी विधानसभा में आई है। और जो ऐतिहासिक और जोरदार सगड़ी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है इस यात्रा का, इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जन जन का विश्वास जीती है। लोगों अरविंद जायसवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र। अच्छा सर, ये किस तरह का रथ यात्रा निकाला? ये जन विश्वास यात्रा थी। आज उसी के तहत आजमगढ़ जनपद में सगड़ी विधानसभा में आज ये पूरा रथ यात्रा चला है। और जिस तरीके से आज जनता का, लोगों का प्यार उमड़ा है, निश्चित रूप से जो योगी मोदी ने काम किया है उस पर ये मजबूत चीज से मोहर लगाया गया है और उनके कामों पर विश्वास जताया गया है। ठीक सर, मनीष मिश्रा। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में ये रथ यात्रा चल रही है, जन जन के लोगों तक ये यात्रा पहुंचाई जा रही है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी मोदी जी में लोग विश्वास करके पुनः दोबारा सरकार बनाने के लिए जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हम विश्वास पैदा करते हैं और लोगों के विचारों को सुनते हैं और अपनी बात रखते हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और सगड़ी विधानसभा में खास तौर से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों ने मिलजुल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।